नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सोशल वेबसाइट चैनल पर। और जैसे आपको पता है कि 5 फरवरी को वसंत का त्यौहार है और वसंत पंचमी पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं चांसलर सर पुनीत गोयल जी और साथ में प्रो चांसलर मैम पूनम गोयल जी, जो आपको देंगे वसंत पंचमी की विशेष और साथ में बताएंगे कि इस त्यौहार का क्या महत्व है। चांसलर सर और प्रो चांसलर मैम, आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू जी। तो चांसलर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वसंत पंचमी त्यौहार का क्या महत्व होता है। वसंत पंचमी का जो त्यौहार है, हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्व का त्यौहार है। यह माघ महीने के 5वें दिवस पर मनाया जाता है। इस बार का जो बसंत पंचमी का त्यौहार है, वह 5 फरवरी 2022 को मनाया जाएगा। और इसको जो मनाने का मेन उद्देश्य रहता है, माँ सरस्वती की पूजा करना, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है। सभी विद्यार्थी इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करके अपना विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते हैं। जी पूनम मैम, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वसंत पंचमी त्यौहार होता है, उस पर किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है की जाती हैं, किस तरह से त्यौहार मनाया जाता है ये? वसंत पंचमी को जो है साथ में किंग ऑफ सीजन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के साथ जो है वसंत ऋतु स्टार्ट होती है। तो वसंत के आते ही ये जो होती है थोड़ी सी ठंड, ये कम हो जाती है। जी, इसके लिए एक वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है कि आई वसंत पाला उड़ंत। और वसंत ऋतु में जो होता है, तो इसको वसंत भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम जो नेचर होती है वो चारों तरफ से अपने फुल यौवन पे होती है। हर तरफ हमें हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। और साथ में इस दिन जो लोग हैं कई काइट कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे पूनम मैम ने बताया कि वसंत पंचमी त्यौहार का अपना ही एक महत्व होता है, और मैम ने जैसे बताया कि एक श्लोक भी बहुत ज़्यादा फेमस है और जो है कि आई वसंत गया पाला उड़त। तो मैंने पहली बार सुनी है ये, लेकिन बहुत ही कैची सा वर्ड है ये। और हम लोग वसंत पंचमी के बारे में बात कर रहे हैं। चांसलर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि और किस तरह से मनाई जाती है, किस तरह के मतलब खाने पीने की चीज़ें जो है घर पे तैयार की जाती है, और क्या मान्यता है इस त्यौहार की? इस त्यौहार की जो मान्यता है हिंदू धर्म में, इसको ये कहते हैं कि इस दिन सब लोग माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए पीले रंग के कपड़ों को धारण करते हैं, पीले रंग के पतंग उड़ाते हैं, पीले तरह का ही अच्छे अच्छे स्वादिष्ट मिठाइयाँ बना के खाते हैं, और पीली वस्तुओं से ही माँ सरस्वती की पूजा करके उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जी, तो सर ने जैसे बताया कि माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, पीले रंग के वस्त्र ग्रहण किए जाते हैं ताकि माँ सरस्वती को प्रसन्न किया जा सके। तो पूनम मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि और क्या महत्व होता है इस त्यौहार का, क्या धारणा है लोगों की इस त्यौहार को लेकर? वसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं। जी, इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, तो इसलिए कई लोग ये भी मानते हैं कि जैसे अगर हमने छोटे बच्चों को स्टार्टिंग की जो एजुकेशन उनकी स्टार्ट करनी है, तो वो इस दिन से स्टार्ट करते हैं। जी, उनका मानना है कि अगर हम इस दिन से अपनी एजुकेशन को जब स्टार्ट करते हैं, तो माँ गॉडेस जो है वो सरस्वती जो है, तो इस वजह से वो लोग इस दिन स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उसके सारे लाइफ में कभी भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती और हमेशा वो सक्सेसफुल होते हैं। यानी कि लोगों के मन में धारणा बनी रहती है कि अगर बच्चे को वसंत पंचमी से पढ़ाना शुरू किया जाए तो सरस्वती माँ का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहेगा। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जितने भी विद्यार्थी देख पा रहे हैं, आपको जितने भी व्यक्ति आपको देख पा रहे हैं, दर्शक हैं हमारे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वसंत पंचमी के त्यौहार पर, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? मैं एज ए चांसलर ऑफ ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी पूरे विश्व के सभी विद्यार्थियों को इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अपनी जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए माँ सरस्वती की कल से पूजा करके एक नई डिटर्मिनेशन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ पूरे दिल से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि माँ सरस्वती की आपको पूरा आशीर्वाद प्रदान हो और आप अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से सफल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी दर्शकों को? मैं तो सभी विद्यार्थियों को और सभी लोगों को ही ये शुभकामना देनी चाहती हूँ कि सरस्वती माँ, जो विद्या की और ज्ञान की देवी मानी जाती है,
कि वो सभी विद्यार्थियों को तो सफलता प्रदान करे और जो आने वाला टाइम है वो सभी के लिए ही बहुत मंगलमय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे हमने मैम से और सर से बात की तो वसंत पंचमी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अनसुनी बातें इन्होंने बताई जो मुझे कभी नहीं पता थी और शायद आपको भी ना पता हो। तो ये मैसेज आपको कैसे लगे और क्या महत्व होता है इसका, क्या अर्थ होता है वसंत पंचमी का, ये सारी जुड़ी हुई चीज़ें आपको कैसी लगी ये नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इसी के साथ आप बने रहिए OSGU के वेब पोर्टल पर।